हाय दोस्तों, हाय गाइज। आज मैं रेसिपी में अपनी बनाने वाली हूँ, बहुत गजब बनाऊंगी। आप सभी को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो में रेसिपी भी बनाऊंगी, लोबिया बनाऊंगी, बहुत बेहतरीन बहुत टेस्टी बनाऊंगी। आप सब हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि मैं सारी जानकारी आप सबको दे दूँ। तो चलिए मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने खेत का बोड़ा। मैं ये इसे आप बोड़ा भी कह सकते हैं, लोबिया भी कह सकते हैं। तो मैं धुल ली हूँ, बहुत अच्छे से कट कर रही हूँ। आप सभी ऐसे ही बारीकी से छोटा छोटा करके पीस वीस करके कट कर लेना, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छे से मैं बारीकी से नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा सा काट ली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं ये आलू है, आलू को एक आलू में चार पीस करूँगी, बहुत अच्छे से कट कर लूँगी चार टुकड़े। बहुत अच्छे से देखो मैं कट कर ली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये प्याज प्याज है, मैं इसे ऐसे ऐसे करके बारीकी से बहुत महीन नहीं करूँगी, बहुत छोटा छोटा कर ली हूँ ऐसे। आप भी कट करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं टमाटो को बहुत अच्छे से ऐसे कट करूँगी, छोटा छोटा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसे ही आप सभी काटना, बहुत अच्छा लगेगा छोटा छोटा। तो देखिए यह अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, ये तीनों को मैं ऐड कर ली हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी, पीस लूँगी। ये है धनिया है, जीरा है, गरम मसाला है, एक चम्मच ये हल्दी है, एक एक चम्मच ये देखो ये हींग है, एक डिब्बी हींग है, मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये हमारी मटेरियल है अदरक लहसुन मिर्ची है, और ये देखिए आलू, ये प्याज है, मटेरियल सब तभी सभी को तैयार कर ली हूँ। टमाटर है, ये लोबिया है, इसी सब का वीडियो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। तो देखिए कढ़ाई में अपने मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा इसे गर्म करूंगी अच्छे से, धीमी आंच से मैं बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनाऊंगी। थोड़ा एक चम्मच मैं तड़का दे दी हूँ जीरा का, तो बहुत अच्छे से देखो ब्राउन हो गया है। तो मैं अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, तीनों को ऐड करके बहुत अच्छे से मैं इसे ब्राउन करूँगी हल्का, बहुत अच्छे से भून ले रही हूँ। आप सब धीमी आंच से बनाना, बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड। देखिए मैं बहुत अच्छे से ये प्याज डाल दी हूँ, ब्राउन हो गया था, तो इसको मैं बहुत अच्छे से ऐसे चलाऊँगी, बहुत अच्छे से इसे भूनूंगी। आप सब सभी देखना, ऐसे ही बनाना, बहुत बेहतरीन बनेगा। लोबिया की सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए हमारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो आप सब देखते रहिए, मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। ये आलू मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ, अच्छे से इसको भी भूनूंगी, थोड़ा भूनू, ये भूनने में बहुत टेस्टी आएगा, बहुत अच्छे से इसे भूनना है। जितने अच्छे से मैं भूनूंगी उतना अच्छा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से भून ले रही हूँ। टमाटो को मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ, बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट आएगा। जब तक टेस्ट नहीं आएगा मैं इसमें कुछ थोड़ा नहीं डालूँगी, इसे अच्छे अच्छे से भूनूंगी। जितना अच्छे से मैं भूनूंगी हमें लग रहा है उतना ही टेस्टी बढ़ेगा, इसीलिए मैं बहुत बेहतरीन से बना रही हूँ। तो देखिए हमारा हो गया, मैं इसमें लोबिया को बहुत अच्छे से मैं ऐड कर ली हूँ, इसको भी बहुत अच्छे से मैं चलाऊँगी, इसमें भूनूंगी अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे से भूनना है मैं। आप भी ऐसे बनाओगी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ही मैं बनाऊँगी, बहुत बेहतरीन से बनाऊँगी, आप सभी देखते रहिए। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से भून ले रही हूँ, बहुत अच्छे से इसे धीमे ही आंच से हुआना है, बहुत से तेज नहीं पकाना है, बहुत अच्छे से धीमे ही आंच से बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं ये है गरम मसाला है, मैं एक चम्मच डाल दे रही हूँ, तो एक चम्मच यही मसाला डाली हूँ, एक हल्दी डाल दे रही हूँ एक चम्मच, ये धनिया है, हल्दी डाल दी हूँ एक चम्मच, धनिया डेढ़ चम्मच हो गया है लगभग, छोड़ दी हूँ मैं। तो अच्छे से मैं इसे मिला दूँगी, धनिया हल्दी पहले जीरा हो ही गया था, तो बहुत अच्छे से मसाले को मैं ऐड कर ली हूँ। ये नमक है, थोड़ा सा एक चम्मच नमक मैं छोड़ दे रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चलाऊँगी।
तो आप सभी देख सकते हैं इसका कलर बहुत बेहतरीन आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं इसे ऐसे चलाऊंगी, धीमे ही आंच से बनाऊंगी। आप भी स्लो कर लेना, थोड़ा सा तेज मत रखना, क्योंकि धीमे ही आंच से स्लो ही बहुत अच्छा से सेफ्टी से बहुत अच्छा सा रेसिपी तैयार होगा हमारा। इसलिए मैं बहुत अच्छे से इसे बनाऊंगी, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा भी लगेगा। तेज़ मैं कर दूंगी तो शायद ये जल वल भी जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ पकने के लिए। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं बनाऊंगी, तो इसे मैं बहुत अच्छे अच्छे ऐसे चला के इसमें मैं इसे ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। इसे बहुत अच्छे से पकाऊंगी मैं, सुखवा दूंगी, बहुत अच्छे से बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं 2 मिनट के लिए उतार दे रही हूँ, इसे चलाऊंगी। देखिए भाई, हमारा थोड़ा सा इसमें पानी है मसाले का, भाई मैं इसे सुखाऊंगी, बहुत अच्छे से बनाऊंगी इसे। तो देखिए बहुत अच्छे से खुशबू आ भी रही है, पर मैं अभी सुखाऊंगी इसे थोड़ा सा और। तो आप सभी देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है, मैं फिर इसे चलाऊंगी बहुत अच्छे से। इसे हमेशा चलाते ही रहना, टेस्ट इसका से एकदम रेसिपी बहुत अच्छा से बनेगा। इसलिए मैं बहुत अच्छे से 2 मिनट, देखिए कितना अच्छा बेहतरीन से हो गया, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत इसका महक बहुत गजब हो गया है, स्वाद तो इसका बहुत बेहतरीन होगा गाइज। मैं तो टेस्ट कर रही हूँ, आप सभी को देखते ही टेस्ट इसका रेसिपी बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो सोचिए खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।